हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो आज की वीडियो में एक कमाल का नेचर आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूँ, जिसपे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है और वो सारा का सारा ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पर इंस्टेंट डेज में ला सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। और मैं भी खुद यार इस पर्टिकुलर नीच पे काम कर रहा हूँ और काफी कम समय में यार अच्छा खासा वेबसाइट ग्रोथ करिए। सर्च कंसोल का डेटा वगैरह सब कुछ आपको दिखाऊंगा, कौन से नीचे सभी चीजें के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो कैसे, अगर अभी चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो मैं जिस नीच की बात कर रहा हूँ गाइस, वो है MP3 सॉन्ग डाउनलोडिंग टाइप नीच, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो कुछ वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना पोटेंशियल है। देखो यहाँ पे एक वेबसाइट है यार pagalworld.com, अगर मैं इसके ट्रैफिक की बात करूँ तो यहाँ पे देखो भाई, ये पर्टिकुलर वेबसाइट यार 6 मिलियन से ऊपर का ट्रैफिक ले रही है। ऐसी और भी काफी सारी वेबसाइट भाई इंटरनेट पे आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे निकाला है, उन्हीं का मैं थोड़ा सा केस स्टडी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक और वेबसाइट यहाँ पे देखो coastalworld.com, अगर हम इसकी ट्रैफिक की बात करें तो देखो यार 5 लाख से ऊपर का ट्रैफिक ये अचीव कर रही है। और यहाँ पे इन सभी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आता है ना, पूरा का पूरा भाई ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, सर्च से होता है। कोई भी बंदा डायरेक्ट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, सर्च से यहाँ पे 100% ट्रैफिक देखने को मिलता है, जिससे CPC वगैरह भी मेंटेन रहता है और ठीक ठाक अर्निंग जनरेट हो जाती है। इस तरह की वेबसाइट्स पे एडसेंस का अप्रूवल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो कौन सा एड नेटवर्क यूज करना चाहिए, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक और वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, जो बेसिक सा वेबसाइट है, बेसिक सा लेआउट है, कोई भी PHP स्क्रिप्ट वगैरह ये इसने यूज नहीं किया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है pagalworld4u.in, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट सिंपल सा वर्डप्रेस का थीम इंस्टॉल कर दिया और उस पर काम इसने स्टार्ट कर दिया। और अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ तो देखो भाई, ये भी बंदा भाई मिलियंस में ट्रैफिक अचीव कर रहा है। देखो यहाँ पे 1 मिलियन से ऊपर का ट्रैफिक ये पटुआ बंदा अचीव कर रहा है, पूरा का पूरा ट्रैफिक यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक है 90%। तो आप भी यार इस तरह का ट्रैफिक भाई अपनी वेबसाइट पे काफी कम समय में मतलब कि अचीव कर सकते हो। मैं इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको अपनी वेबसाइट का थोड़ा सा एनालिटिक्स दिखा देता हूँ, जिससे यार आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पे देखो यार, मैं भी इस तरह के नीचे पे काम कर रहा हूँ। तो और ये जो वेबसाइट है ना, मुझे स्टार्ट किया यार मतलब कि लगभग 15 से 20 दिन हुआ और अभी देखो इस वेबसाइट का ग्रोथ देखो यार, कितना गजब का इसने पिक पकड़ लिया, ठीक है। 800 के आसपास क्लिक्स भी आ चुका है और पर डे के अगर मैं क्लिक की बात करूँ तो देखो भाई, ये भी 100-150 के आसपास क्लिक्स यहाँ पे पर डे का भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो देखो आज यहाँ पे 83 के आसपास क्लिक्स आया है। तो मतलब कि काफी अच्छा यार रिस्पॉन्स दे रहा है ये पर्टिकुलर वेबसाइट। और इस तरह की वेबसाइट पे काम करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, वो भी भाई अभी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इस तरह की वेबसाइट पे आखिर आपको काम किस तरह से करना है, मतलब ये कौन सा होस्टिंग यूज करना है, कैसे डोमेन वगैरह सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे यार देखो, इस तरह की वेबसाइट पे काम करने के लिए आपके पास एक अच्छा सा होस्टिंग होना चाहिए और यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर। हर एक वीडियोस में भाई मैं आपको यही होस्टिंग रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और काफी अच्छा है, काफी ट्रस्ट वर्थी है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक होस्टिंग परचेस नहीं किया है तो यार फटाफट यहाँ से परचेस कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको लेना है एक अच्छा सा मैचेबल डोमेन। और देखो यहाँ पे आपको डोमेन में बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी डोमेन आप सेलेक्ट करोगे ना, यहाँ से आपको जस्ट क्लेम करना है, फ्री में आपको डोमेन मिल जाएगा। लेकिन डोमेन सेलेक्ट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपकी डोमेन में भाई मतलब कि MP3 पागल वर्ल्ड या सॉन्ग टाइप रिलेटेड कीवर्ड्स होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब भी आप गूगल में आओगे ना, या किसी भी सॉन्ग्स को अगर आप सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं सर्च करता हूँ तेरे नाम सॉन्ग, ठीक है। एंड देन जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सी वेबसाइट से हमें दिखाई देती है, देखो यहाँ पे पागल वर्ड शो हो रहा है, ठीक है। हर किसी ने यार पागल वाले जो कीवर्ड्स है भाई उसको टारगेट कर रखा है। तो ज्यादातर देखा जाए तो इंटरनेट पे ना सॉन्ग्स के आगे लोग पागल वर्ल्ड लगा करके सर्च करते हैं। तो आपको भी कुछ इसी तरह से मैचेबल डोमेन उठाना है जिसमें यार पागल वर्ल्ड या MP3 या सॉन्ग टाइप कीवर्ड्स आपका आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना, अगर आप कोई रैंडम डोमेन उठा लोगे तो भाई उस पर ट्रैफिक लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मतलब कि इसी से रिलेटेड मैचेबल डोमेन उठा लेना और पागल वर्ल्ड से रिलेटेड काफी सारे एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको डोमेन यार चूज करना है। तो सिंपली आप आ जाओ GoDaddy से, अगर आप GoDaddy से डोमेन लेना चाहोगे तो ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से आप डोमेन का आइडिया लो। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको होस्टिंगर से जब आप होस्टिंग परचेस करोगे ना, वहां से आप डोमेन बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट में क्लेम कर लेना, ठीक है। और वो चीजें किस तरह से करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यार काफी सारी वीडियोस दिया है, तो आप उन वीडियोस को मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो मैं वो होस्टिंगर भी पहुंच गया, तो मैं GoDaddy सर्च कर लेता हूँ, तो ये आ गया, ठीक है।
मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से डोमेन आपको लेना है। जैसे आपको पागल वर्ल्ड आप सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे देखो पागल वर्ल्ड से रिलेटेड सारे जो .com.in है ये तो बुक हो चुका भाई, तो आपको ये मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो भाई जो गोडैडी है वो यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है pagalpals.com, तो ये भी आप ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे गूगल में आपको रिजल्ट दिखाऊं तो यहाँ पे देखो पागल वर्ल्ड वाले बिना भी जो डोमेन है वो भी अच्छा खासा रैंक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे pagalsongs.in ये भी काफी गजब का रैंक कर रहा है। यहाँ पे देखो पागल फ्री, ठीक है, तो पागल न्यू, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो आपको गूगल जो गोडैडी है वो सजेस्ट कर रहा है ना pagalpals.com, तो ये भी आप अचीव कर सकते हो, या पागल के आगे कुछ भी आप अपने हिसाब से लगा करके उसे आप ले सकते हो। जैसे पागल पेड, ठीक है, हम देख लेते ये अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे देखो इसके .com.in भी अवेलेबल है, तो इन दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से यार आपको काइंड ऑफ डोमेन को सेलेक्ट करना है मैचेबल, ताकि जब भी कोई यूजर यार गूगल पे सर्च करे ना सॉन्ग्स के आगे कुछ भी चीजें लिख करके, और ज्यादातर वो पागल वर्ड से ही रिलेटेड वर्ड्स को डालता है, और उससे रिलेटेड अगर आपका डोमेन रहेगा तो भाई 100% यार आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आपको मतलब की चीजों को देखना है, इन चीजों को देखना है मतलब की वेबसाइट्स को बिल्ड करने से पहले। उसके बाद सिंपली यार आपको अपने वेबसाइट्स पे एक अच्छा सा थीम इंस्टॉल कर लेना कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो जनरेट प्रेस थीम पे भी काम कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को फॉलो करना है। देखो ये जो दो वेबसाइट मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, ये वाली, ये जो pagalworld.com और ये कौशल वर्ल्ड, ये क्या कर रही है, पीएचपी स्क्रिप्ट वगैरह का यूज कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस तरह के स्क्रिप्ट वगैरह को आप बाय करो, ठीक है। इनमें काम करना थोड़ा सा आपको बर्डन टाइप लगेगा यार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब कि थोड़ा सा प्रोसेस वाइज काम करना पड़ता है, सभी का अलग अलग कॉलम होता है, फिर उसमें सारी चीजें डालनी पड़ती है। तो उस तरह से आपको स्टार्टिंग में काम नहीं करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक जेन्युइन वेबसाइट है जिसपे आप एवरग्रीन कीवर्ड्स वगैरह को काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है यार, इस तरह का एक रैंडम कोई भी एक जनरेट प्रेस या सिंपल सा थीम आप ले लो, और वहां पे फिर इस तरीके से आर्टिकल डालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोई भी लेटेस्ट सॉन्ग्स वगैरह आता है भाई तो यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा ट्रेंडिंग सेक्शन में, देन वहां से आपको उठाना है और उसको गूगल में सर्च करना है, देन उसका आपको जो लिंक है वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। एंड देन इस तरीके से बस उसके कीवर्ड्स को यूज करते हुए आपको काम करना है। यहाँ पे देखो यूट्यूब का लिंक यहाँ पे डाल देना, प्लस उस सॉन्ग का लिंक वो प्रोवाइड कर देना है, और यहाँ पे जो भी सिंगर गा रहा है म्यूजिक लिरिक्स वगैरह जिसका वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाल देना है, और बस आपका जो आर्टिकल है भाई वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स का एग्जांपल लेकर देख सकते हो, इसे पूरे अच्छे से जब आप एनालाइज करोगे आपको और भी आइडिया आना शुरू हो जाएगा किस तरह से आपको काम करना है। और यहाँ पे देखो आर्टिकल में भी आपको कुछ भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो जस्ट यहाँ पे इस बंदे ने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और इससे आप खुद भी लिख सकते हो, और यहाँ पे पूरा का पूरा बस कीवर्ड्स को भरा गया है, ठीक है। तो आपको भी कुछ इसी तरह से काम करना है, और रैंडमली यार इस तरह की वेबसाइट्स पे ना भाई आप एक दिन में काफी सारा पोस्ट भी डाल सकते हो, और वो आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। जितना ज्यादा आप पोस्ट डाल पाओगे इस तरह की वेबसाइट को, उतना जल्दी आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को ग्रैब कर पाओगे। तो ये कुछ भाई फंडा है भाई, इस तरह से आपको इस तरह की वेबसाइट्स को क्रिएट करना है। अब बात कर लेते हैं इस तरह की वेबसाइट पे हमें एडसेंस अगर नहीं मिलता तो फिर हमें क्या करना है। तो देखो अगर आपको एडसेंस नहीं मिलेगा इस तरह की वेबसाइट पे, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एडस्टेरा एक एड नेटवर्क है उसका आपको यूज करना है। बहुत ही कमाल का एड नेटवर्क है यार, इसका भी पेमेंट प्रूफ वगैरह मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया, तो मैं भी खुद अपनी वेबसाइट्स पे वही यूज करता, क्योंकि अधिकतर केसेस में यार इस तरह की वेबसाइट्स पे ना एडसेंस का अप्रूवल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन काफी सारी वेबसाइट्स आपको दिखेगी जिस पे एडसेंस का अप्रूवल है, और अगर आपके पास ऑलरेडी किसी वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल पड़ा हुआ है ना, तो उस वेबसाइट पे भी आप डायरेक्टली काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वहां पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपके पास मैचेबल डोमेन वगैरह नहीं होगा, तो वो एक रीजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एडस्टेरा की मदद से भी अच्छा खासा अर्निंग यहां से जनरेट कर लोगे। अब बात करें प्रॉब्लम्स की, तो यहां पे एक ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा यार, वो है डीएमसीए। देखो यार इस तरह की वेबसाइट्स पे डीएमसीए तो आना भाई लाजमी है, आएगा 101% आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो हमारा खुद का तो नहीं है, हम किसी और का कंटेंट अपनी वेबसाइट्स पे फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में यार आपको डीएमसीए 101% आना ही आना है। लेकिन डीएमसीए से बचने का तरीका यही है कि आपको क्या करना है यार, कम से कम ये जो डाउनलोड वाले कीवर्ड्स है इसको अपने आर्टिकल्स में यूज करना। देखो अगर आप डाउनलोड वाले कीवर्ड्स को यूज नहीं भी करोगे ना, फिर भी आपका आर्टिकल रैंक करेगा, क्योंकि इस फील्ड में यार सर्च बहुत ज्यादा भाई, ठीक है,
और अगर आप इस कीवर्ड का यूज नहीं करोगे तो डीएमसीए से बचने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएमसीए नहीं आएगा, तो भी आएगा। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे ही गाइस आपको डीएमसी आता है ना, फिर आपको क्या करना, उस पर्टिकुलर पेज को हटा देना है या फिर उसे रिडायरेक्ट कर देना अपने होम पेज में, जिससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है गाइस वो सॉल्व हो जाएगी। देन आई होप गाइस आज का ये वीडियो गाइस आपको अच्छा लगा हो। तो इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए गाइस अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन है से भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं उसका अपडेट आप तक पहुंच जाए। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से एक्सेस कर लेना। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।